के तेल के दाम पर सरकार के एक्शन का असर दिखना शुरू हो गया है। खाने का तेल सस्ता होना शुरू हो चुका है। पिछले एक महीने से दाम में कमी का ट्रेंड दिख रहा है। हालांकि एक साल की तुलना करें तो दाम अभी थोड़े ज्यादा हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि कई ब्रांड्स ने दाम घटाने की घोषणा कर दी है और खाने के तेल के दाम में 15 से 22 रुपए की कटौती की जा रही है। सरकार भी लगातार तेल की कीमतों की मॉनिटरिंग कर रही है। इसके साथ ही सरकार लगातार औचक निरीक्षण करती रहेगी। सरकार के मुताबिक जब तक स्टॉक लिमिट रहेगी तब तक सरकार ऐसे निरीक्षण करते रहेगी। और खाने के तेल के दाम घटाने की घोषणा तो हुई है, लेकिन ग्राउंड पर क्या कीमतें कम हुई हैं, खाने के तेल के दाम की रियलिटी चेक किया हमारे संवाददाता सौरभ पांडे ने। खाने की तेल की कीमतें बढ़ोतरी के बाद सरकार ने काफी बैठक की दौरे की और उसके बाद उन्होंने कहा कि के तेल की कीमत में कटौती की जा चुकी है। ऐसे में हम मुंबई के एक ऐसे ही मार्केट में आप पहुंचे जहां हम देखने के लिए पहुंचे हैं कि किस तरह से जो है तेल की कीमतों में जो कटौती है वो ग्राहकों तक किस तरह से पास ऑन हो रही है। इसी में हमने बात की है दुकानदारों से और ग्राहकों से, आइए उनका क्या कहना है। दुकानदारों का कहना है कि खाने के तेल में कटौती हुई है, जो कि इसकी कीमत जो पहले 2200 से 2500 की होती थी वो अब 1900 से 2000 की हो गई है, तो उस बारे में आपका क्या कहना है। अच्छी बात है ना, जो रेट कम हुआ है वो खाने के तेल के रेट कम हुए वो तो अच्छी बात है, क्योंकि सर्वसामान्य लोग को परवड़ता भी चाहिए ना, परवड़ना भी चाहिए, तो अच्छी बात है। नहीं सर, बहुत अच्छा मिला ये महीने, पिछले जो दिन गए पिछले 2 महीने 3 महीने से ये महीने काफ़ी अच्छे न्यूज़ मिली, पब्लिक को राहत मिल रही थी। पिछले महीने जो बिल बन रहा था उससे बिल में उनको ज़्यादा राहत मिली। अरे भाई 10 टम बढ़ता है 1 टम कम होता है तो उसकी गिनती नहीं आती है। 10 टम बढ़ना चाहिए, 12 टम कम होना चाहिए, तो मान पता कम हो गया, आज काम 5 हो गया, कल अब पता ही होने वाला है, हमेशा पक्का नहीं कन्फर्म नहीं है, हमेशा होने वाला है ये चीज़। मतलब जैसे पहले 190-200 तक गया था ना, 180-190 तक गया था तेल, तो अभी कम हुआ तो थोड़ा राहत तो मिलेगा ना, लेकिन इससे और कम होना चाहिए। जैसा कि आपने सुना, ग्राहकों और दुकानदारों का कहना है कि तेल की कीमतों में कटौती तो हुई है, लेकिन इसे धीरे धीरे जो है ना करके थोड़ी बड़े स्तर पर करना चाहिए ताकि उन्हें और राहत मिल सके। मुंबई से वीडियो जर्नलिस्ट सागर पाटिल के साथ सौरभ पांडे, जी मीडिया।